जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में इस समय भारी मात्रा में भर्तियां निकली हुई हैं। कई पोस्टों पर कई वैकेंसी निकली हुई हैं, तो कई जो भाई हैं और बहन हैं उन्हें सबसे ज़्यादा समस्या का सामना ये करना पड़ रहा है कि उन्हें सेंटर का रूट नहीं पता है कि सेंटर पर उन्हें कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों, इसी उनकी समस्या का समाधान आज मैं लेकर आया हूं। आज मैं आपको 4 सेंटरों के बारे में बताऊंगा जिन पर अभी भर्तियों के मेडिकल तथा भर्तियां होनी है। जैसे 2020 की जो भर्ती थी उनके मेडिकल होने हैं तथा 2023 की जो भर्तियां हैं उनके फिजिकल होने हैं। तो मैं सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा 25 बटालियन SSB घिटोरनी नई दिल्ली के बारे में कि यहाँ पर आपको कैसे पहुँचना है। उसके बाद मैं बताऊंगा CTC अलवर मौजपुर के बारे में कि यहाँ पर आपको किस तरीके से पहुँचना है। तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा SSB एकेडमी भोपाल के बारे में कि आपको यहाँ कैसे पहुँचना है। और चौथे नंबर पे बताऊंगा CTC SSB श्रीनगर गढ़वाल के बारे में कि यहाँ आपको कैसे पहुँचना है। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें दोस्तों, जिससे इसका वीडियो का फ़ायदा और भी भाई बहनों को मिल सके जो SSB की अभी जॉब देख रहे हैं, ताकि उन्हें इन सेंटरों पर पहुँचने के लिए परेशानी ना हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पर है दोस्तों 25 बटालियन SSB घिटोरनी। यहाँ आपको कैसे बटालियन में किस किस ट्रेड के टेस्ट होंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो दोस्तों, जो 25 बटालियन SSB घिटोरनी है न्यू दिल्ली, इसमें मेडिकल का पहले तो एग्ज़ाम होगा। मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो वाटर कैरियर, वेटनरी, बारबर और स्वीपर का होगा। कांस्टेबल बारबर, कांस्टेबल स्वीपर, कांस्टेबल वेटनरी और कांस्टेबल वाटर कैरियर का यहाँ पर मेडिकल टेस्ट होगा तथा जो भर्ती चलेगी वो SI स्टाफ नर्स और ASI की भर्ती यहाँ पर चलेगी। जो अभी 2023 में जो वैकेंसियाँ निकली हैं उसमें SI स्टाफ नर्स और ASI की वैकेंसियों की भर्ती यहाँ पर चलेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है ये मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले जैसे आप कहीं से भी आएंगे तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आप उतरेंगे। जैसे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद में आपको जब आप बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलते ही आपको मेट्रो स्टेशन मिलेगा, नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन। स्टेशन से बाहर निकलते समय आप किसी से भी पूछ लीजिएगा कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन किस साइड में पड़ेगा, तो उसी साइड में आप बाहर निकलना। नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन में जाने के बाद में, अंदर जाने के बाद में आपको पीली लाइन यानी येलो लाइन पर आपको ट्रेन का वेट करना है। दो दो मिनट बाद ट्रेनें आती हैं। पीली यानी येलो लाइन पर जो हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ जो ट्रेन जाती है उसमें आपको बैठना है। हुड्डा सिटी सेंटर की दिशा में जो जाएगी ट्रेन उसमें आपको बैठना है। तो कम से कम 45 मिनट के सफ़र के बाद में वहाँ से आता है घिटोरनी मेट्रो स्टेशन। एक घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, उसके बाद पड़ेगा अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन। आप चाहें तो घिटोरनी मेट्रो स्टेशन भी उतर सकते हैं, आप चाहें तो अर्जुनगढ़ भी उतर सकते हैं, दोनों से बराबर ही डिस्टेंस है। और अगर आप दोस्तों पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतर रहे हैं तो आपको चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर जाना होगा। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर जाने के बाद आपको वही रूट पकड़ना होगा, हुड्डा सिटी सेंटर की तरफ येलो लाइन पर, और घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर उतरना है या फिर अर्जुनगढ़ मेट्रो स्टेशन पर उतरना है। अगर घिटोरनी मेट्रो स्टेशन पर आप उतरते हैं तो 25 बटालियन आपको गुड़गांव की तरफ पड़ेगी, गुड़गांव की तरफ जो रूट गया उस पर पड़ेगी। और अगर अर्जुनगढ़ पर आप उतरते हैं तो 25 बटालियन पीछे की तरफ यानी के छतरपुर की तरफ आपको पड़ेगी, मतलब दोनों में बराबर का डिस्टेंस है दोस्तों। तो अब हम बात करेंगे SSB CTC अलवर मौजपुर की कि यहाँ पर दोस्तों आपको कैसे पहुँचना है और यहाँ पर किन किन ट्रेडों की
भर्तियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, SSB CTC मौजपुर में कांस्टेबल वेटनरी की भर्ती 29 सितंबर से स्टार्ट है दोस्तों। कांस्टेबल वेटनरी की भर्ती जो होगी 2023 बैच वाली, वो 29 सितंबर से स्टार्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है और क्या क्या वहाँ के रास्ते हैं? तो दोस्तों जैसे कि आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अलवर रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ते हैं, कई ट्रेनें जाती हैं अलवर रेलवे स्टेशन के लिए। तो जब आप अलवर रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो आपको सबसे पहले बस स्टैंड जाना है, अलवर बस स्टैंड। अलवर बस स्टैंड से दोस्तों आपको लक्ष्मणगढ़ के लिए बस पकड़नी है, जो लक्ष्मणगढ़ के लिए बस पकड़नी है जो आपको वाया मालाखेड़ा होती हुई जाएगी। मालाखेड़ा से आगे जाके पड़ता है मौजपुर का, मौजपुर का छोटा सा मार्केट है, वहाँ आप उतर जाइएगा और 1 किलोमीटर आपको चलने के बाद में, 1 किलोमीटर चलने के बाद में अंदर वो सेंटर आपको मिलेगा। मतलब जहाँ आप उतरोगे वहाँ पे ई रिक्शा वगैरह मिल जाएंगे आपको और अंदर आपको रोड पे ले जाएंगे, रोड अंदर कटी हुई है उस पे आपको ले जाएंगे SSB के सेंटर पर। और अगर दोस्तों आप जैसे कि अपने पर्सनल वाहन से आते हैं या बस से आना चाहते हैं तो इसके लिए दूसरा रास्ता है दोस्तों। एक अभी नया रोड बना हुआ है दिल्ली और मुंबई एक्सप्रेसवे, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे अगर आपको जाना है तो वहाँ पर आपको पहले गुड़गांव जाना पड़ेगा, गुड़गांव से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे शुरू हुआ है। तो आपको जो अलवर अलवर इंटरचेंज टोल प्लाजा है, अलवर इंटरचेंज टोल प्लाजा है वहाँ पर आपको उतरना पड़ेगा, अलवर इंटरचेंज टोल प्लाजा कट है वहाँ आपको उतरना पड़ेगा तथा मौजपुर के लिए आपको वहाँ से जाना होगा। वहाँ से आपको पर्सनल वाहन अगर आपका है तो आप वहाँ से जा सकते हैं, वहाँ से 17-18 किलोमीटर मौजपुर पड़ता है उस कट से। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे SSB एकेडमी भोपाल की, कि दोस्तों यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है और यहाँ पर किन किन ट्रेडों की भर्तियाँ हो रही हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो अभी 2023 का बैच था, जो 2023 में भी जो वैकेंसियाँ निकली थी उनमें दोस्तों हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन और हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और हेड कांस्टेबल मैकेनिक की यहाँ पर भर्तियाँ स्टार्ट होने वाली हैं 29 सितंबर से दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है इसके बारे में आपको बताऊँगा। दोस्तों नई दिल्ली से भोपाल के लिए कई ट्रेनें हैं, एक एक दो दो घंटे बाद दुनिया भर की ट्रेनें हैं वहाँ से। तो भोपाल पहुँचने के बाद आपको भोपाल पहुँचना है, भोपाल से रेलवे स्टेशन से जब आप बाहर निकलोगे तो आपको गांधीनगर के लिए कई बसें मिल जाएंगी, बस या ऑटो टाइप के आपको मिल जाएंगे गांधीनगर के लिए। गांधीनगर दोस्तों वहाँ से 17 किलोमीटर है भोपाल रेलवे स्टेशन से। गांधीनगर के बाद आपको फिर दूसरी जगह के लिए चेंज करनी होगी बस, चंदूखेड़ी के लिए। चंदूखेड़ी वहाँ से ऐसे 7 किलोमीटर दूर है। चंदूखेड़ी में पहुँचने के बाद में आपको उतर जाना है और चंदूखेड़ी में ही है SSB एकेडमी भोपाल का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो चंदूखेड़ी में ही है दोस्तों। बात करें दोस्तों CTC श्रीनगर, श्रीनगर गढ़वाल की, गढ़वाल उत्तराखंड की, के यहाँ पर दोस्तों आपको पहुँचना कैसे है और यहाँ पर किन किन ट्रेडों पर अभी भर्तियाँ चल रही हैं। तो दोस्तों जो 2023 का जो बैच था उसमें जो भर्तियाँ निकली थी उसमें कांस्टेबल ट्रेडमैन की कुछ भर्ती थी, कांस्टेबल जैसे कांस्टेबल स्वीपर और कांस्टेबल वाटर कैरियर की। तो कांस्टेबल स्वीपर और कांस्टेबल वाटर कैरियर की जो भर्तियाँ हैं वो SSB CTC श्रीनगर गढ़वाल में होने वाली हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पहुँचना कैसे है वो मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों सबसे पहले जैसे आप अगर दिल्ली वाले रूट से जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले हरिद्वार जाना पड़ेगा। हरिद्वार जाने के बाद में दोस्तों आपको ऋषिकेश जाना पड़ेगा। ऋषिकेश बस स्टैंड है वहाँ, गढ़वाल बस स्टैंड है ऋषिकेश में। तो गढ़वाल बस स्टैंड से आपको श्रीनगर के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी, बसें भी मिल जाएंगी और पर्सनल कई लोग कारें लेके जाते हैं जो टैक्सी के रूप में चलती हैं वो आपको श्रीनगर के लिए मिल जाएंगी।
तो ये बाया देवप्रयाग रुद्रप्रयाग होती हुई जाती हैं और इन पर आप जा सकते हैं। जो श्रीनगर का मेन रोड है उसी पर ही वहीं जाकर आपको छोड़ेगा और बिल्कुल रोड के किनारे ही ये सेंटर है। कहीं आपको दाएं बाएं ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना आपको ज़्यादा पैदल चलना पड़ेगा। ये मेन रोड पर ही SSV का जो CTC श्रीनगर है वो है ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी को मिल सके और जो जो भाई बहन हैं वहाँ जाना चाहते हैं इन सेंटरों पर तो उन्हें आसानी से इन सेंटरों पर जा सकें। तथा बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दोस्तों इसलिए कि मेरे द्वारा डाले गए कोई भी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।